कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने अब आम आदमी के ऊपर सख्ती बरतना शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि पेट्रोल पंप कर्मी मास्क और ग्लव्स पहनकर ही पेट्रोल और डीजल देने का काम करें। ऐसा ना करने पर पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मास्क पहने हुए वाहन चालकों को ही पेट्रोल या डीजल दिया जाए। जिला प्रशासन ने इस आदेश का पालन करने के लिए शहर के सभी पेट्रोल पंप पर पुलिस के दस्ते को तैनात कर दिया है। पुलिस कर्मियों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को और उसके बाद वाहन चालकों को भी मास्क लगाने की हिदायत दी। कुछ पेट्रोल पंप में इस दौरान विवाद की स्थिति भी बनी। कुछ वाहन चालक बिना मास्क लगाए ही पेट्रोल और डीजल लेना चाहते थे, लेकिन जब पेट्रोल पंप कर्मियों ने पेट्रोल और डीजल देने से इनकार कर दिया तब वाहन चालक और पेट्रोल कर्मियों के बीच बहस भी होती रही। इस दौरान पुलिस की समझाइश के बाद विवाद की स्थिति टली। अचानक आए इस फरमान की वजह से कई पेट्रोल पंप में इस तरह की विपरीत परिस्थितियां बनी। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि पेट्रोल पंप पर इस तरह की सख्ती जारी रहेगी। अभी समझाइश दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई और धारा 188 के तहत मामले भी दर्ज किए जाएंगे। देखिए, लगातार ये जबलपुर में लोगों के बीच में एक उदासीनता का भाव देख रहे हैं। कोरोना महामारी के प्रति जो सावधानी बरतनी चाहिए उसके प्रति उदासीनता देखी जा रही है। बीच बीच में प्रशासन की तरफ से भी सचेत भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों पर प्रभाव नहीं हो रहा है। आज यहाँ दौरान इलाका भ्रमण देखा कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा स्वयं बिना मास्क के पेट्रोल वितरण किया जा रहा है। पूर्व में इनको सचेत भी किया गया था कि इनके आदतों में सुधार नहीं आ रहा, जिससे आज यहां कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अब देखने लायक होगा कि क्या जबलपुर प्रशासन की सख्ती से कोरोना के मामलों में कोई कमी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज जबलपुर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।